ये तो आप सभी का स्वागत है। आपने टाइटल पढ़ा होगा, थंबनेल भी देखा होगा। जी हाँ, तो हम कुछ यूनिट ट्राई करना चाहते हैं और हम आ चुके हैं मुंबई का एक बहुत बड़ा यहाँ पे फंक्शन चल रहा है। इस फंक्शन में हमें भी बुलाया गया है लिट्टी चोखा खाने के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे लिट्टी चोखा बनता कैसे है, लिट्टी चोखा की क्या विशेषता है और लिट्टी चोखा लगता कैसे। तो मेरे पास देखेंगे तो काउंटर भी आगे इसी तरह से ये चौका जो है वीडियो में अगर आपको क्लियर दिख रहा है, ये जहाँ है सामने यहाँ पे आ जाए और जान है ये लिट्टी। ये कैसे बनती है हम आपको जरूर दिखाएंगे। इसके अलावा और मीठे में गुलाब जामुन है और ये सारे फंक्शन जो है हम खाएंगे, खा के भी दिखाएंगे। सो मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला था, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए, जो मुंबई से जुड़े हुए उनके लिए शायद नई चीज़ होगी। ये इसे लिट्टी कहते हैं, बराबर है। और ये जो है, जो आप कोयला देख रहे हो उसी के ऊपर बनती है और उसी के जो खाने का मज़ा है, एक नेचुरल मज़ा आ जाता है। आप बता सकते हैं कि ये कैसे बनता है? जी, ये इसमें चना पीस के डाला जाता है। जी जी, गेहूँ के आटे का बनता है। ये इसके साथ में चोखा के साथ में खाया जाता है। जी जी, हम आपको चोखा भी दिखाएंगे, लेकिन लिट्टी मुंबई महाराष्ट्र में जो नॉर्थ इंडियन उनको तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको कैसे बताएंगे कैसे खाते हैं और कैसे बनता ही है? इसके साथ में चोखा के साथ में खाया जाता है। चोखा रहेगा, बैगन रहेगा, धनिया, मटर, प्याज, लहसुन सब काट पीट के उसको लहसुन। और इसका तरीका बनाने का यही है, कोयले पे ही बनाने का? कोयले पे ही बनता है, दूसरे पे नहीं बनता है। दूसरे पे बनेगा पर उस ढंग से, उस तरीके से नहीं बनेगा जितना अच्छा कोयले पे। सो वी कैन सी इट्स अ ट्रेडिशनल, इट्स ऑथेंटिक और ये बहुत पारंपरिक तरीके से बन रहा है। तो ये जो है वो चोखा है, इसे चोखा कहते हैं। हम मुंबई महाराष्ट्र में मराठी में इसे बटाटे की भाजी कह सकते, लेकिन थोड़ा अलग होता है। हम पूछना चाहेंगे कि ये एग्जैक्टली बनता कैसे? ये इसमें आलू, टमाटर, बैगन, धनिया, मिर्चा, अदरक, लहसुन डाल के इसको सब बढ़िया से मिक्स करते हैं। मिक्स उसके बाद राई का तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, बढ़िया से इसको मिक्स करके तब इसका टेस्ट बनता है। देखिए, ये नॉर्मल आलू की सब्जी नहीं है, ये जो भी है बहुत क्या कहेंगे लजीज है, बहुत टेस्टी है। बस एक बार अगर चम्मच डाल के अगर आप उसे घुमा के दिखाएंगे ताकि ये कैसे बन रहा है वो भी आपको पता चले। देखिए, वहाँ पे ग्रेवी वगैरह तो सब है और बहुत बड़े पैमाने पर बन रहा है। ये बैंगन का भाजी है। जी जी, तो बस इस पे हम लोग अभी थोड़ा सा चम्मच लगा के केवल आपके लिए बताएंगे कि ये देखिए, ये अभी क्या करें वीडियो में जो स्मेल नहीं आता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि किस तरीके से शानदार तरीके से बनाया गया है। और जब भी ये एक्चुअली जो नॉर्थ इंडिया के हमारे भाई होते हैं, जब भी इसको देखते तो मुँह में पानी आ जाता है। होप सो कि आपके भी मुँह में पानी आए और आप खाइए ज़रूर। बनाने का ग्रेवी उन्होंने बताया, लेकिन अपनी अपनी विशेषता है, जो अच्छे से बन पाएगा वो अच्छे से ज़रूर बनाएगा और आप ज़रूर खाइएगा। तो यहाँ पे आइए, जो चीज़ जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, लिट्टी चोखा, देखिए मैं फिर से कहूँगा कि नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है। जैसे यहाँ पे मुंबई में वड़ा पाव फेमस है, वैसे ही वहाँ का नॉर्थ इंडिया का लिट्टी चोखा। तो ये है आपका लिट्टी जिसकी विशेषता हमने देखी और ये है चोखा। तो ये खाना कैसे? ये लिट्टी को जो है हमने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है और इसको चोखा के साथ जो है ये जो टेस्ट है ना भाई साहब, मुंबई में उत्तर प्रदेश बिहार का जो मज़ा लेते हैं वो ऐसे ले सकते हैं। साथ में जो भी है गुलाब जामुन, दाल चावल कहीं पर भी मिलेगा, लेकिन लिट्टी चोखा इसके लिए आपको आना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। मैं मान्य वडू, सब आप लोग मेरे घर जैसे हैं क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। आप अपने कार्य में बादशाह बने, सहंसा बने, मैं तो बेटा हमेशा बने। लिट्टी चोखा जब आप मुझे खिलाएंगे तो मुझे लगेगा मुझे आपने अपना घर का सदस्य समझा है।